टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरह सीसीटीवी और कैमरा हमें फायदे प्रदान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह ही आजकल ड्रोन कैमरा भी खूब प्रचलन में आ चुके हैं। लेकिन ये ड्रोन कैमरामैन को उच्चतम क्वालिटी के ड्रोन फुटेज के अलावा कई ऐसी फुटेज भी दे देती है जिन्हें देखकर शायद हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते। आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन में रिकॉर्ड कुछ हुए ऐसे फुटेज की जिसे देख पूरे दुनिया के या तो होश उड़ गए या फिर इन्हें देख दुनिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने लोगों को अपने घर पर रहने के बहुत सारे तरीके अपनाए, इसके बावजूद भी पुलिस के लिए पूरे देश को अंदर रख पाना मुमकिन नहीं था। खास तौर पर दारूबाज और ग्रुप बनाकर बैठने वाले लोगों को घर के अंदर रखना पुलिस के लिए काफी कठिन था। इनमें प्रेमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें वो पुलिस के डंडों से बचते हुए अपने प्रेमिकाओं को चॉकलेट बांट रहे थे। ऐसे ही लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनोवेटिव तरीका निकाला और एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। और ऐसे ही ड्रोन का संरक्षण करते वक्त उन्हें कई सारी ऐसे क्लिप मिली और ऐसे ही ड्रोन चलाते वक्त उसमें कई सारे क्लिप्स रिकॉर्ड हो गई। और ऐसे ही क्लिप में से एक क्लिप में ये देखा गया कि 14 अप्रैल 2020 के दौरान तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में कुछ लोग एक पेड़ के छांव के नीचे बैठकर कैरम खेल रहे थे। ड्रोन को देखते ही ठंडी छांव में बैठे सभी लड़के कैरम को छोड़कर तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ कदम भागने के बाद उन लोगों को याद आया कि वो अपनी स्कूटी और कैरम तो पीछे ही भूल गए। उसमें से कुछ बच्चे वापस आते हैं और स्कूटी पर बैठकर भागने लगते हैं। वहीं दूसरे दो लड़के जिनका कैरम था वो कैरम लेने वापस आते हैं। एक लड़का कैरम और दूसरा लड़का पास ही में रखे टेबल को उठाकर भागने लगता है। लेकिन पुलिस का डर ऐसा था कि कैरम उठाए लड़के की लुंगी वहाँ नीचे छूट जाती है। अब बिना लुंगी भागने के बजाय वो कैरम से अपने आप को ढकते हुए बैठ जाता है और जिस तरफ भी ड्रोन जाता वो उस तरफ कैरम को झुका देता ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। पुलिस भी उस समय काफी मूड में थी, उससे छुपते हुए वो ड्रोन को ऊपर ले जाती है जबकि अभी भी वो लड़का इधर उधर ही देख रहा था। बाद में उसने पुलिस की चालाकी देख बिना लुंगी ही भागने का प्लान बना लिया। कुछ दूर भागने के बाद उससे डर के मारे कैरम का वजन भी सह नहीं पाया और फिर वो कैरम को गिराकर बिना लुंगी और बिना कैरम के किसी मिल्खा सिंह की रेस की तरह वहां से दूर भागने लगा। इनका पीछा करते वक्त इन्हीं कैरम प्लेयर्स के इलाके में मौजूद कई और लोग भी मिले और ड्रोन आने पर उन्हें भी अपने घरों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 24 अप्रैल 2020 को भी एक ऐसी घटना ड्रोन में रिकॉर्ड हुई जब पुलिस चेन्नई के गुमिडी पोंडी नामक इलाके में ड्रोन से सर्वेलेंस कर रही थी तभी उन्हें वहां के जंगल में ये कपल दिखाई दिया। इस प्रेमी की बाहों में सुस्ता रही प्रेमिका ड्रोन को देखकर हकबकाकर उठ जाती है और फिर दोनों उस दुपट्टे से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद दोनों तुरंत बाइक पर सवार होकर वहां से निकल लेते हैं। ये प्रेमी जोड़ा यहाँ से भागने में तो सफल हो जाता है लेकिन पुलिस को फुटेज से बाइक नंबर मिल जाता है जिसके बाद उन्हें बड़ी आसानी से ट्रेस किया जाता है, जिसके बाद उन दोनों पर लॉकडाउन का पालन न करने पर लीगल एक्शन लिया जाता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अकेली लड़कियों को देखकर उनको ड्रोन से छेड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी प्राइवेसी में दखलअंदाजी करने के फिराक में वो ड्रोन को उनके नजदीक ले जाते हैं। यहाँ भी ये ड्रोन इस लड़की के नजदीक आकर उसकी फुटेज लेने लगता है। उसे पकड़ने के लिए लड़की ने कई पैंतरे भी आजमाए लेकिन वो असफल रही। अंत में लड़की के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी गाड़ी से बंदूक लेकर आती है और ड्रोन को शूट करके ड्रोन मालिक को वीडियो बनाने की सजा देती है। ऐसा ही कुछ हादसा मार्च 2017 में बेलीव्यू वॉशिंगटन में हुआ जब एक महिला ने पड़ोसी के ड्रोन को अपने घर के आसपास देखा तो उससे परेशान होकर उसने इस ड्रोन पर पत्थर फेंक कर मारा। पत्थर चूकने पर वो अंदर जाकर सीधा गन ही उठाकर लाई। इससे पहले कि वो फायर करती ड्रोन मालिक ने उतने में ड्रोन वहां से दूर भगा लिया। ये फुटेज तब रिकॉर्ड हुई जब एक कपल ड्रोन की मदद से अपनी योगा के कुछ अच्छे फुटेज निकालना चाह रही थी। सब ठीक चल रहा था और लड़की भी अपने पति के पैरों पर चढ़कर पोजीशन ले रही थी और ड्रोन भी उनके ऊपर आकर वीडियो बनाने लगता है। लेकिन उतने में ड्रोन कंट्रोल खो देता है और लड़की के नजदीक आकर उससे टकरा जाता है जिससे लड़की नीचे गिर जाती है और पूरे वीडियो की वाट लग जाती है।
दोस्तों लाइट पोल पर काम कर रहे वर्कर्स कैसे अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन जब हाई वोल्टेज वायर में कुछ फंस जाता है तो वर्कर्स को वो निकालने के लिए काफी दिक्कत होती है। लेकिन आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में वर्कर्स को खुद की जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया भर के कई सारे देश इस काम को करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी चीज के नमूने को आप चीन के शियांगयांग नाम के इस शहर के उस फुटेज में देख सकते हैं। यह इस हाई वोल्टेज वायर में 12 मीटर की नायलॉन नेट अटक जाती है, जिसे यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स एक आग फेंकने वाली ड्रोन से काफी आसानी से निकाल देते हैं। यही काम यदि इंसानों और मशीनों की मदद से किया जाता तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। अगला वीडियो नॉर्थ कैरोलिना के रैंडोल्फ शहर से आता है, जहाँ होता ये है कि नवंबर 2017 में 81 साल की दिमाग से पीड़ित महिला घर से बाहर चलने के लिए निकलती है और वो गुम हो जाती है। ज्यादा देर तक घर पर वापस न आने के बाद घर वालों ने रैंडोल्फ पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने वहाँ के नजदीकी इलाकों में ड्रोन से इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। कुछ देर के सर्च के बाद पता चला कि ये मोहतरमा खेतों में घूमने के लिए गई थी, लेकिन वापस घर आने का रास्ता ही भूल गई, जिसके चलते वो थक हार कर खेतों में ही बैठ गई। ड्रोन के GPS लोकेशन की मदद से पुलिस ने ज्यादा समय गवाए बिना ही इस महिला को ढूंढ लिया और बिना किसी नुकसान के वो महिला वापस घर पर पहुंच गई। ड्रोन जब तक सही हाथों में हो तब वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, लेकिन बिना दिशा निर्देशन के पालन कर रही ड्रोन को कई देशों की पुलिस बड़े ड्रोन से पकड़ लेती है। उनमें से ही एक है टोक्यो पुलिस का ड्रोन स्क्वाड। 2015 के दौरान टोक्यो पुलिस ने अपना ये ड्रोन स्क्वाड बनाया था, जिसके अंतर्गत जब भी कोई अननोन ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमता हुए दिखाई दे तो ये अपने बड़े ड्रोन और नेट की मदद से उस ड्रोन को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस ड्रोन के ओनर को उचित दंड भी दिया जाता है। कुछ महीनों पहले आपने भी वो खबर देखी होगी, फॉरेन कंट्रीज में लॉकडाउन से ठीक पहले टॉयलेट पेपर की मारामारी हो गई थी और दुकानों से स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। ऐसा ही एक मामला स्कॉटलैंड में सामने आया, जब एक रस नाम के व्यक्ति के घर में टॉयलेट पेपर खत्म हो गए और तभी लॉकडाउन भी लग चुका था। अब बेचारा ये सोच में पड़ गया था कि धोए तो धोए कैसे और धो भी लिए तो पोछे कैसे। ऐसे में मसीहा बनकर सामने आया उनका दोस्त स्कॉट कुलेन। उनके पास टॉयलेट पेपर के 2 रोल एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों का घर टाउन के सबसे अलग अलग कोने में था और लॉकडाउन के चलते वो बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो ऐसे में वो टॉयलेट पेपर एक दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते थे। ऐसे में डिलीवरी का काम आसान किया DJI Mavic Pro ड्रोन ने। स्कॉट ने अपने इस ड्रोन से पेपर रोल को बांध दिया और फिर उसे अपने दोस्त के घर के दरवाजे पर आकर रोक दिया। भगवान ऐसे दोस्त सभी को दे। वैसे दोस्तों इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप धूप कहां पर सेक रहे हो। कुछ लोगों को सोलेरियम में धूप सेकना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को बीच पर धूप सेकना। लेकिन अब इस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह ये महिला अपने बिल्डिंग के छत के ऊपर धूप सेकने का आनंद ले रही थी। तभी उनको शायद ये उम्मीद भी नहीं होगी कि किसी मक्खी के भांति ये ड्रोन उनका वीडियो ले रहा होगा। इस ड्रोन के शैतान मालिक को सबक सिखाने के लिए पोछने वाला मॉब लेकर इस ड्रोन के पीछे दौड़ने लगी। वैसे तो ये महिला इस ड्रोन कैमरे को गिराने के काफी करीब थी, लेकिन इस ड्रोन का ऑपरेटर काफी चालाक और अनुभवी निकला, जिसने ना केवल ड्रोन को काफी चालाकी से बचा लिया बल्कि फुटेज भी पूरी रिकॉर्ड कर ली। खैर किसी को भी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आलसी आदमी कई बार काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं, जो कि इस व्यक्ति को देखकर आप पता लगा ही सकते हैं। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, जो अपनी डॉग को शेयर करने के लिए खुद नहीं जा सकते इसलिए अपनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इनके पास इसको टहलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा तो इन्होंने अपने बेचारे डॉग को ड्रोन से बांधकर हवा में लटका दिया। इसे देखने में आपको तो मजा आ रहा होगा, लेकिन जरा उस बेचारे डॉग के बारे में भी सोचिए जिसे ड्रोन ऊंचे आसमान में हवा में लटका कर वहां से निकाल ले गया। वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक VFX द्वारा एडिटेड वीडियो है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी फुटेज सबसे ज्यादा पसंद आई यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए? यदि हाँ तो वो हमें बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।